नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञान तिमिरंध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश ता वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 5 करेंगे। प्रभु जी श्लोक संख्या 5 से आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको योग का मतलब बताया था। योग मतलब कौन बताएगा योग का मतलब? आत्मा का परमात्मा से संयोजन। एग्जैक्टली योग मतलब, अरे योग मतलब जोड़ना है ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से, ये योग कहलाता है। अब यो योग का तरीका कर्म हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, मुझे नहीं पता, बस जुड़ना चाहिए। ठीक है, अब भगवान ने अलग-अलग तरीके बताए, लेकिन भगवान जब तरीका बता रहे हैं अर्जुन को, तो उन तरीकों में सारे तरीकों को उन्होंने भक्ति योग के साथ जोड़ दिया। तो कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म बन गए, ध्यान का लक्ष्य भक्ति योग, तो हर योग को उन्होंने भक्ति योग तक पहुंचाया। अब यहां श्लोक क्रमांक 5 में, श्लोक क्रमांक 4 में बताया कि कर्म से विमुख नहीं होना है। अगर कोई कर्म से विमुख हो जाए और सोचे कर्म फल से छुटकारा मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। तो मानो ऐसे पूछें तो भाई क्या संभव है, क्या करना चाहिए?
बोले आप कह रहे कर्म फल, कर्म से विमुख नहीं होना है ना, कर्म करना है। दैट मीन्स आप आश्रम के चतुर्थ पायदान, जो सबसे ऊंची पायदान है, आप सन्यास को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह तो ठीक नहीं। क्या व्यक्ति सन्यासी हो जाए तो सन्यासी हो जाने से कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, सन्यासी हो जाने से हो सकता है कुछ मिले, लेकिन वह परम शांति जिसके लिए सन्यास ली जाती है, सन्यास आश्रम का जो लक्ष्य होता है, वह पूरा नहीं होगा। तो इसलिए इसलिए आगे भगवान कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवश कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। वंस अगेन, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवश कर्म सर्वः प्रकृति चैर गुणे। वंस अगेन, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवश कर्म सर्वः प्रकृति चैर गुणे। पढ़िए, रिसाइट कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। यस, पढ़िए गौतम बुद्ध प्रो। विष्णु प्रभु जी धन्यवाद। नाहि कस्य क्षणम् अपि जातो तिष्ठति अकर्म कृत् कार्यते हि अवसह कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। जय यस, पढ़िए अखिल आत्मा को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठा कर्म कृत् कार्यते हवश्च कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणे। और कोई है? हाँ, ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षणम क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्म कृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवसह विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणे गुणों के द्वारा। अनुवाद, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति अकर्मशील होना चाहे तो भी प्रकृति उससे कार्य करा लेती है। कोई व्यक्ति नाराज होकर एक कमरे में बंद हो जाए, बोले आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, ओके, पिताजी खुश थे कि चलो कुछ नहीं करेगा, ना कुछ करेगा ना काम बिगड़ेगा। पता चला कमरे के अंदर पूरे तोड़फोड़ मचा रखी है, क्योंकि ये मन तो यहां भी शांत नहीं था। मोबाइल तोड़ दिया,
नहीं मोबाइल नहीं तोड़ा, उसमें तो उसको रील्स देखने थे। वो अंदर गुस्से में बैठेगा तो कुछ तो करेगा ना, क्योंकि अंदर तो चाहिए कुछ एंटरटेनमेंट। तो ये भी एक कर्म है, टाइम पास, कुछ तो कर रहा है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं कर रहा तो ध्यान में बैठ गया। तो प्रकृति अपने गुणों के अनुसार उससे कुछ ना कुछ तो करा ही लेगी। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। आपने बंदर को देखा है? बंदर ऐसे शांत बैठता है क्या? नहीं बैठता। तो हमारा मन कैसे शांत बैठेगा और हमें कैसे शांत बैठने देगा? इवन दो आप सोचो, चलो बाकी समय कम से कम आप सोने जाते हो, जब आप सोने जाते हो तो स्वप्न में भी तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, वहां भी आपको काम कराने ले जाता है। कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी समुद्र के अंदर, कभी आकाश के ऊपर। हाँ कभी तो भैया स्वर्ग में ही, इंद्रलोक में ही इंद्र आसन पर बैठा देता है। चारों तरफ उर्वशी मेनका नृत्य करते रहती है। नहीं, कहने का तात्पर्य ये कि अगर व्यक्ति इस सुसुप्तावस्था में ही, इस सुसुप्तावस्था तक में कार्य करता है, तो फिर आंख खुली हो तब बिना कार्य किए कैसे रह सकता? इसलिए यह प्रश्न शरीर का बिल्कुल नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सक्रियता गुण है आत्मा का। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सक्रियता गुण है आत्मा का। शरीर तो जड़ होता है, इसके अंदर जैसे जैसे एक मोटरसाइकिल अपने आप में जड़ होती है, मोटरसाइकिल कार, उसमें रक्त का संचार कर दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, लेकिन अभी भी नहीं चली। रक्त चाहिए, हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, HB, हाँ हीमोग्लोबिन मोर देन, एटलीस्ट मोर देन 10 होना चाहिए, अच्छा माना जाता है, गाड़ी रुक रुक कर नहीं चलेगी। उसके बाद एक ड्राइवर होना चाहिए, अपने आप नहीं चलती है, क्या चाहिए? ड्राइवर। और ड्राइवर मीन्स सोल, आत्मा, समझ में आया? शरीर है तो शरीर के अंदर खून हो, लेकिन चलेगी कब? जब उसके अंदर आत्मा हो। सक्रियता किसके कारण आई, किसके कारण चलनी शुरू हुई? ड्राइवर के कारण ना, कि पेट्रोल के कारण? ड्राइवर के कारण। हो सकता है कल को बिना पेट्रोल के, आजकल बिना पेट्रोल के बैटरी से भी चल जाती है, सनलाइट से भी चल जाती है, चल तो किसी से भी सकती है, कल को ऑप्शन ढूंढ ले। हाँ एक ब्लड खराब हो जाता, डायलिसिस करके दूसरे का ब्लड डाल देते हैं। कहने का मतलब ये जो सक्रियता, एक्टिवनेस जो क्वालिटी है, वो किसकी है? ये आत्मा की। और यदि आत्मा वहां से चला जाए तो स्वमेव, हाँ टार्जन तो बन नहीं सकता, कि टार्जन बन गया, टार्जन भी बन जाए तो भी उसके अंदर आत्मा थी तब तो चला। टार्जन में क्या होता है? उस कार के अंदर आत्मा आ जाती है ना, तभी तो चलती थी। तो वहां पर भी यही नियम लागू हो रहा है कि बिना बिना आत्मा के तो हिलेगी नहीं।
और जब आत्मा की अनुपस्थिति हो जाती है तो व्यक्ति मर जाता है, मुर्दा बन जाता है, चाहे भी कोई उसे उठा करके ले जाए तो भी आत्मा वह शरीर अपने आप को नहीं रोक पाती। वह मृत अवस्था हो जाती है। जब आत्मा का गुण है सक्रियता, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं आत्मा को कुत्ता नहीं बनाना चाहिए, आत्मा को ट्रेंड करना चाहिए। अगर सक्रिय है तो उसकी क्रियाशीलता कृष्ण भावना मृत की ओर हो। आत्मा की क्रियाशीलता किसके तरफ हो, उसकी सक्रियता किसकी ओर हो? कृष्ण भावना मृत की तरफ। इस आत्मा को कृष्ण भावनामृत कर्म में लगाना चाहिए, अर्थात सत कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। अगर आपने इसे अच्छा विषय नहीं दिया, यदि आपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिया, तो मोबाइल में क्या करेंगे? वेराइटीज ऑफ वीडियोस देखेंगे, और ये वेराइटीज ऑफ वीडियो उनके अंदर अलग संस्कारों का छाप छोड़ेंगे, और ये संस्कार फ्यूचर में आपके लिए बहुत घातक होंगे। या तो आप स्वमेव आत्मा को सत्कर्म में प्रवृत्त कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आत्मा का तो स्वभाव है कि वह निष्क्रिय नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। या तो उसे गॉड कॉन्शियस कर दीजिए, नहीं तो डॉग कॉन्शियस होने में उसको समय नहीं लगेगा। या तो कृष्ण की सेवा करेगा, और कृष्ण नहीं तो जैसे कृष्ण हटे वैसे ही माया वहां पर अपना स्थान ले लेगी। अब मुझे नहीं पता इसमें कृष्ण भावनामृत कितना है, जितना कृष्ण भावनामृत आपने रखा उतना ठीक, जो खाली है वो माया है, वो छोड़ेगी नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्षणों को कृष्ण भावनामृत बना रखा है। शुद्ध होना, अपने कर्मों को शुद्ध करना या अपनी प्रवृत्ति को शुद्ध करना, यह एक अलग बात है, किंतु किंतु अपने आप को कृष्ण भावनामृत कार्य कराना यह अलग बात है। प्रवृत्ति कार्य करते करते प्रवृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाएगी। थोड़ी माला करने का इच्छा होता है, न तो सुबह सुबह उठने का इच्छा होता, वो तो डर है, मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत इच्छा होती है। फिलोसफिकल कहीं ना कहीं हम अपने आप को ट्रेंड किए हैं, जैसे आर्मी में होता है ना, सुबह सुबह जैसे ही अलार्म बजा मजबूरी है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, ये ट्रेनिंग है। यह ट्रेनिंग व्यक्ति को धीरे धीरे शुद्ध करती है, धीरे धीरे, है ना? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह जो आत्मा है, जैसे ही भौतिक गुणों के संसर्ग में आती है, तो वह, मान लीजिए आप
कोयले के खदान में घुसो। तो कोयले के खदान में जैसे ही आप अंदर जाओगे, मान लो कामना मैया ने बड़े व्हाइट कलर का गाउन पहन के वो कोयले के खदान में गई, अब सोचो बाहर आएंगी तो क्या उनका व्हाइट गाउन व्हाइट रहेगा? अरे कोयले के खदान में गए हैं, काला तो लगेगा ही, है ना? इसी तरह से यह सक्रिय आत्मा जब भौतिक जगत के अलग-अलग गुणों के संसर्ग में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली यह अपने आप कुछ न कुछ माया के गुणों को आत्मसात कर लेती है। इसलिए बार बार शास्त्र लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को सदैव एक कार्य करना चाहिए, वो ये कि अपना संग अच्छा रखना चाहिए। आप जिस प्रवृत्ति वाले लोगों का एसोसिएशन करेंगे, उनके गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को यदि आप सही रखना चाहते हैं, तो आपको संग अच्छा करना होगा। शास्त्रों में अनुमोदित कार्य है, कैसे कार्य करने चाहिए, तो शास्त्रों में अनुमोदित कार्यों को ही हमें अपने जीवन में करना चाहिए। और श्रीमद्भागवतम में इस बात की पुष्टि होती है कि यदि वो शास्त्रों के अनुरूप, कृष्ण भावनामृत कर्म में लगा रहता है, तो उसका कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा, उसका जीवन कल्याणप्रद होगा। श्रीमद्भागवतम 1:5:17 में, 1:5:17 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्नपमेयात्पतितः तो यदि यत्रम अवाभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति इस भक्ति योग को, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को, भगवान की सेवा को अंगीकार कर लेता है, अपना लेता है, तो यदि हो सकता है वह शास्त्र में जितने कार्य कहे हैं उसको एग्जैक्टली फॉलो ना करे, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो जाए, या ठीक से भक्ति ना करे, सुबह टाइम से न उठे, लोगों के सामने सिर्फ दिखाने के लिए तिलक लगाए, स्वमेव उसका कोई यूज ना हो, ठीक से भक्ति ना करे, या फिर भक्ति करते करते थोड़ा पतित भी हो जाए, मतलब गिर भी जाए, तो भी इसमें न तो कोई हानि है और ना कोई बुराई है। लेकिन मान लीजिए कोई खूब पुण्य कार्य करे, लोगों को गर्मी में प्याऊ लगवा दे, पानी पिलाए, भूखों को खूब जा करके रेलवे स्टेशन में खाना खिलाए, और गरीबों को कंबल बांटे, सब कुछ करे, लेकिन कृष्ण भावनामृत न, तो ऐसे किए गए शास्त्र अनुमोदित कार्य भी जीरो है। समझ में आया? ऐसे बिना कृष्ण भावनामृत के ऐसे सारे कर्म क्या है? वेष्ट, कोई मतलब नहीं। तो कृष्ण भावनामृत का यह स्तर
कृष्ण भावनामृत का यह स्तर, यदि व्यक्ति अपने अंदर शुद्धिकरण के प्रोसेस को फॉलो करता है तभी पाया जा सकता है। इसलिए जो आश्रम है, संन्यास आश्रम, यह संन्यास आश्रम व्यक्ति के लिए शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है। शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है, तो इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण के इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, है ना। लेकिन यह शुद्धिकरण का लक्ष्य क्या है? इस शुद्धिकरण का लक्ष्य है कृष्ण भावनामृत, अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस करना, यह शुद्धिकरण का लक्ष्य है। संन्यास आश्रम सिद्धि पाने के लिए नहीं है, संन्यास आश्रम परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए है। तो कृष्ण भावनामृत में शुद्धिकरण में सहायता करती है संन्यास आश्रम, क्योंकि बिना कृष्ण भावनामृत के कोई व्यक्ति, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पास एक योगी आए और श्रीवास पंडित कहते हैं, महाप्रभु ये बहुत बड़े योगी हैं, दिन भर में केवल एक गिलास दूध पीते हैं। तो महाप्रभु बोले, रास्कल, डू यू थिंक कि कोई व्यक्ति केवल त्याग करके एक गिलास दूध पीकर मुझे पा सकता है? समझ में आया? कोई व्यक्ति जीवन में केवल सांस पर कंट्रोल कर ले और उसके बाद जाकर भगवान को बताए, भगवान मैंने सांस पर, श्वास पर अपने नियंत्रण कर लिया है, तो भगवान को बोलेंगे, मैंने बोला था सांस पर, श्वास पर कंट्रोल करने के लिए। अरे अखिल आत्मा प्रभु की तरह खूब खाते, पेट भर हरि भजन करते, मैं ऐसे ही मिल जाता, पूरा समय वेस्ट कर दिया, है ना। तो व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए किस चीज के लिए? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है, तो इस तात्पर्य में मान लीजिए कोई पूछे कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताइए कि क्या डूज है और क्या डोंट्स हैं शिला प्रभुपाद के अनुसार, इस तात्पर्य के अनुसार शिला प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण भावना में तक पहुंचने के लिए। मैं 1 मिनट में आता हूं, आप लोग लिखिए डूज और डोंट्स। हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा शिला प्रभुपाद क्या करने को कह रहे हैं और क्या नहीं करने को कह रहे हैं, ऐसे दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट लिखिए दोनों, डूज में भी और डोंट्स में भी।
लिखा किसी ने? किसी ने लिखा, कोई बताएगा? नहीं गए मैं को। यस प्लीज बताइए। अखिलात्मक रोग हरे कृष्ण प्रभु जी, हमेशा शास्त्र में जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, और शास्त्र में जो निर्देश नहीं दिया है वैसा कर्म नहीं करना चाहिए, और कृष्ण भावित कर्म करना चाहिए जो कृष्ण से रिलेटेड है वो, और कर्म नहीं करना चाहिए जैसे आप अभी बताए कि जाके कंबल बांटना, खाना बांटना, जो कृष्ण से रिलेटेड ना हो। नहीं, लेकिन कंबल बांटना और खाना बांटना भी कृष्ण से रिलेटेड हो सकता है। एग्जैक्टली हाँ, अगर कृष्ण से रिलेटेड हो तभी बांटना चाहिए, अगर मतलब भगवान को ऑफर करके उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे ना हम लोग ना मतलब मुझे ना कुछ चीजें मैंने इवन तो पीबीटी ट्रेनिंग में भी नहीं सीखी, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो हम जब बेस में रहा करते थे तो उस समय हमें बताया गया, तो उस समय बोले कुछ हम नया जींस टी शर्ट भी लेके आते ना, तो सबसे पहले हम ले जाकर भगवान के सामने उस आचमन करके भगवान के सामने शुद्धि करके भगवान को ऑफर कर देते थे, तब पहनते थे। समझ में आया? हम सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देते थे, तो वो भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है और अर्पित करके भक्तों को बांटा जा सकता है। चाहिए ना, ठंडी लगेगी तो कंबल तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई। नहीं तो फिर वो अवघड़ बाबा बन जाओ, नो कपड़ा नागा बाबा, धुनी रमाओ, दारू पियो, पता ही नहीं चलेगा कि कब ठंड बीत गई। तो ये तो नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं, तो इसलिए जरूरी तो कंबल भी है। लेकिन कंबल कैसे? कृष्ण भावनामृत विज्ञान में आप दक्ष होइए, भगवान को अर्पित कर भगवान से प्रे करते हुए कि भगवान यह सहायता इनके कृष्णमय जीवन को आगे बढ़ाए, इनका भक्तिमय जीवन आगे बढ़े, इन्हें वह व्यवस्था प्राप्त हो जिससे आपकी बड़ी सहजता से ये भक्ति कर सके, इसलिए ये कंबल दिया जा रहा है। ठंड में व्यक्ति नाम नहीं ले पाएगा, ठंड लगेगी, शारीरिक यदि व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो वह अच्छे से कर्म नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वह कृष्ण भावनामृत कर्म में यह कंबल इसकी सहायता करे, इसलिए यह कंबल बांटा जा रहा है। समझ में? ओके तो इसलिए इस श्लोक का सार यह है कि यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाए, यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाए और अपने इंद्रियों को किसी सेवा में संलग्न न करे, तो ऐसे सन्यास का कोई मतलब नहीं। समझ में आया ना? जो मैंने अभी दूध वाला एग्जाम्पल दिया ब्रह्मचारी का, आजीवन ब्रह्मचारी रहना, एक गिलास दूध पी के जीना,
लेकिन भक्ति न करना। तो ऐसे ब्रह्मचर्य, ऐसे संन्यास का कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर, अब अगले श्लोक में, दूसरी ओर अगला श्लोक, समय है ना? हाँ समय। दूसरी अगला श्लोक जो है, जो छठवां श्लोक है, उस छठवें श्लोक में बोले, इससे तो अच्छा है ऐसे सन्यासी बनने से, एक अच्छा गृहस्थ बन जाना, कम से कम वह कर्मों के परिणाम के लिए। सातवें में भगवान बताएंगे कि वह कर्मों के परिणाम के लिए कर्म योग तो करता है, सेवा तो करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में तो लगाता है। फालतू जाकर हिमालय में ध्यान लगा के बैठ गया, ध्यान किसका कर रहा था? मेनका का नहीं। तो अननेसेसरी श्वास प्रश्वास की क्रिया करना, निराहार रह करके टाइम पास करना, उससे अच्छा है, उससे अच्छा है कि भगवान का पूर्ण ध्यान करते हुए भगवान की सेवा में लग जाना, यह उस त्याग से ज्यादा बेहतर है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचारः समुच्यते। इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कह रहे हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, हाथ पैर आंख जिह्वा, इसको कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रोक लेता है। बोले, नहीं, मैंने धोती कुर्ता पहना है, मुझे ये नहीं करना है। किंतु मन ही मन उन समस्त विषयों का चिंतन करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं, मिथ्या आचरण करने वाला, जो बाहरी तौर से अपने इंद्रियों को रोकता है और आंतरिक तौर से दिन भर उसका चिंतन करता है। अब देखिए, हमारा कृष्ण भावनामृत विज्ञान कैसा है? हम क्या करते हैं? हम सबको बाहरी दुनिया छुड़ा करके क्या कहते हैं, यहां ले आते हैं, और यहां लाकर हम उनको विषय दे देते हैं। खाना बनाओ, पिज्जा बनाओ, पाव भाजी बनाओ, पास्ता बनाओ, खाओ, बाहर नहीं खाना। उस विषय से हटाया, यहां भी लाकर विषय दे दिया, लेकिन यह विषय भगवान से संबंधित था। समझ में आया ना? तो हमने उनको विरत नहीं किया, हमने उन्हें लगाया, तो हमने उनके इंद्रियों को उससे अच्छा विषय दे दिया। अब वह चिंतन बाहर वाले पिज्जा का नहीं करेगा, अब जब जब इच्छा जगेगी तो भगवान का प्रसाद वाला पिज्जा खाने की जगेगी। समझ में? अच्छी चेतना होगी। बाहर जाकर के कानों को कुछ और सुनाए जो आपके लिए प्यारे प्यारे गीत गाए, चांदनी मेरी चांदनी, उससे अच्छा है कि हम यहां गए।
यहाँ बैठ करके भगवान का आराम से भजन गाए, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जन्मे मरणे गति आर नाही मो। क्योंकि जिस चांदनी की बात कर रहे थे वो चांदनी तो ढल जाएगी, लेकिन राधा कृष्ण सदैव हमारे प्राण बने रहे। हाँ, भरत महाराज योगी से हिरण हो गए, फिर भी चेतना भगवान में लगी रही। अब उस चेतना का पूर्ण सदुपयोग किया जब वे भक्त बन गए, जो भरत बन गए। योगी से हिरण और हिरण से भक्त जड़ भरत, चेतना चल रही थी, समझ में आ गया। तो इसलिए क्या करना है, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा। हमें सदैव भगवान के इस नाम को गाना चाहिए और अपने आप को सेवा में लगा कर रखना चाहिए। तो जिह्वा और कान दोनों को हमने लाकर विषय दिया, आंखों को भी विषय दिया। क्या परेशानी, इतने सुंदर सुंदर विग्रह, इतने, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भगवान से ज्यादा सुंदर हो सकता है। इवन दो मटेरियलिस्टिक, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अगर वह इस मटेरियलिस्टिक आंखों से भी देखे, इस भौतिक आंखों से भी देखे, तो भी भगवान से सुंदर कोई नहीं। मतलब ऐसे तो देखे, आप देख लीजिए, वो वाला एक गीत था ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। क्या था पूरा गीत पता नहीं, मुझे इतना ही याद आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सोचिए, भगवान ने जिन्होंने यह सृष्टि बनाया, इस सृष्टि में सुंदरता डाली, वह स्वयं किस मनोवृत्ति के होंगे। उनकी एक विग्रह बनाई जाती, वह विग्रह भी इतनी सुंदर होती है, ऐसा लगता है काश ऐसा कोई व्यक्ति भी होता। हाँ ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्य को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक में के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से पंथ वाले। एक बार हम एक व्यक्ति से मिलने गए चेंबर ऑफ कॉमर्स में, वह, अब किस समय की बात है ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में वो उस समय वहां पर, आई थिंक वहां के वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड थे, वो क्या बोलते उसको, जो भी अध्यक्ष वगैरह वगैरह। तो बोले, मैं रोज सुबह सुबह हमारे उस ध्यान केंद्र में जाता हूँ, और ध्यान केंद्र में जाता हूँ तो ध्यान लगाते लगाते मैं ऐसी सीमा पर पहुंचता हूँ कि वहां जा करके मैं बेहोश सा हो जाता हूँ, और उसके बाद फिर बाहरी क्रिया पर कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर चाहे यूरिन हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, बोले ऐसी क्रिया। मैंने बोला, भैया ऐसी क्रिया से हमें तो दूरी रखना, हम तो रोज सुबह सुबह बढ़िया नहा धोवा कर फ्रेश होकर के आराम से भगवान के सामने जाते हैं और खूब नाचते हैं, हम नहीं लगाते ध्यान व्यान, हमारे लिए यही ध्यान है।
नाच नाच के हम भगवान को बुला लेते हैं। मैं ध्यान में पता नहीं, बस ऐसे उल्टी कर करके अगर मेरे को ध्यान में पहुंचना तो मैं तो ना जाऊंगा। मतलब सुन के इतना घिन आया, मैं और सुंदरान प्रभु थे, हम बोले दोबारा हम यहाँ नहीं आएंगे सुंदरान प्रभु। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है, लोगों को मतलब ही नहीं समझ में आता। ये वे मिथ्याचारी लोग हैं जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान देते हैं और इंद्रिय भोगों का चिंतन करते रहते हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो जितने भी बाहरी रूप से ये लोग ध्यान करते हैं, यदि यह ध्यान कृष्ण से संबंधित नहीं है, बिना कृष्ण के ऐसे शुष्क ध्यान का कोई मतलब नहीं। हो सकता है कई बार ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करे, आत्मा के विज्ञान की बातें करे, लेकिन ऐसे ज्ञानी लोगों का भगवान कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है। ये सबसे बड़े क्या है, धूर्त है। सबसे बड़े क्या है, धोखेबाज है। ऐसे धूर्तों का उपदेश नहीं सुनना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण।